तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें बेसिकली क्या कहते हैं, दो प्रिज्म है, ठीक है ना। एक प्रिज्म जो पहला वाला प्रिज्म है वो कुछ ऐसा है, समझ रहे ना। ये प्रिज्म, इसको मैं एंगल ए बोलता हूँ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोलता हूँ, ठीक है। म्यू वन और ए वन बोल दो, क्या कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। और ये 6 डिग्री है। अब ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है, ठीक है। कंबाइंड विथ अनदर प्रिज्म पी फ्रॉम रिफ्रैक्टिव सो दैट प्रोड्यूस विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन, नो डेविएशन, मतलब नो डेविएशन तभी होता है जब एक प्रिज्म ऐसे लगाया जाए यार, ठीक है ना। तो दूसरा वाला प्रिज्म है वो, ये एंगल ए टू है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। मतलब अगर इस पहले वाले प्रिज्म का डेविएशन डेल वन है और यहाँ से डेविएशन डेल टू है, मतलब यहाँ से जो वाइट रे डालोगे तो बाद में जो वाइट रे है, समझ लो ना, ऐसे फाइनली कन्वर्ज, ये वाली रे इसके पैरेलल हो जाएगी। मतलब टोटल डेविएशन, नेट डेविएशन क्या है भाई, जीरो है, लेकिन डिस्पर्जन हो रहा है, ठीक है ना। डिस्पर्जन हो रहा है पर डेविएशन नहीं हो रहा है, समझ रहे ना। ये रेज पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो नेट डेविएशन जीरो है। तो नेट डेविएशन, अब एक डेविएशन का क्या फार्मूला, थीन लेंस का म्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू वन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए वन प्लस म्यू टू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए टू मस्ट भी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू टू माइनस म्यू वन और ये आ जाएगा ए टू मस्ट भी इक्वल टू माइनस म्यू वन माइनस वन आर ए टू, ये ए वन, ठीक है ना। तो यहाँ से, निगेटिव साइन इग्नोर कर दो, निगेटिव साइन इग्नोर कर रहा है, ये एंगल अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या पूछा था भाई, एंगल पी टू की वैल्यू पूछा था, मतलब ए टू पूछ रहा। तो ए टू की वैल्यू आ जाएगी म्यू वन माइनस वन और मल्टीप्लाइड बाई ए वन डिवाइडेड बाई म्यू टू माइनस वन, दिस इज द एंगल वैल्यू। अब इसमें सारी की वैल्यू रख दो तो ए टू की जो वैल्यू आ जाएगी, आई होप कि ए टू की जो वैल्यू आ जाएगी एंगल ए टू, तो म्यू वन कितना है 1.54 माइनस वन और मल्टीप्लाइड बाई ए वन 6 डिग्री यहाँ से, और डिवाइड कर दो, म्यू टू की वैल्यू कितना होगा, दिया होगा 1.72 माइनस वन, तो यह आ जाएगा 0.54 और मल्टीप्लाइड बाई 6 डिग्री और यह आ जाएगा 0.72। तो पॉइंट पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो गया। और यहाँ से तुम देखोगे तो ये कट जाएगा, तो 12 से काट दो, ये 3 टाइम्स और ये कट जाएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये बेसिकली, टू से काट दोगे तो 2 से 2 का ये, और ये 3 टाइम्स कट जाएगा। तो यह जाएगा बेसिकली 9/2। 9/2 मतलब कितना होता है, 4.5 डिग्री। तो जो ए टू ये वाला जो एंगल है वो 4.5 डिग्री होगा, और माइनस साइन ये बता रहा है एंगल कि ये इसके अपोजिट होगा, अपोजिट इस तरह से कंबाइन होंगे। तो ये वाली जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हम लोगों का सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।